नमस्कार दोस्तों, येली सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे सीएससी वीएलई के लिए नए अपडेट्स के बारे में, और साथ ही साथ जो है जैसे कि आप सभी को पता है अभी रिसेंटली जो सीएससी वीएलई भाइयों का दिल्ली में वर्कशॉप हुआ है, वहां पे जो सिलेक्टेड वीएलईज यानी कि टॉप ट्रांजिटिंग वीएलईज जो थे उनको बुलाया गया था और उनको सम्मानित भी किया गया था, उनको बैग्स और सर्टिफिकेट और जो सर्टिफिकेट वगैरह थे सम्मान वगैरह दिया गया था, और साथ ही साथ उनको बताया गया था कि सीएससी आने वाले समय में किस तरीके से क्या करने वाली है, कौन कौन नई सर्विसेज वीएलई को जो अभी तक समस्या आती है जिन चीजों में वो कैसे सॉल्व होने वाली है, और 2-3 महीने में जो नई सर्विसों की सौगात है उसके भीतर कौन कौन सी सर्विसेज मिलने वाली हैं, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे कि क्या आगे होने वाला है और किस तरीके से वर्कशॉप हुआ था, कौन कौन से वीएलईज को निमंत्रण आया था, और अगर आप भी इस तरीके के वर्कशॉप में जाना चाहते हैं सीएससी वीएलई के रूप में, आप चाहते हैं कि सीएससी आपको बुलाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, किस तरीके से आप इससे अपडेटेड रह सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आता हूं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों में जरूर पहुंचाएगा ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको इस तरह के नए अपडेट्स मिलते रहें। तो बिना देर किए हुए आगे की जानकारी बताने के लिए लिए चल रहा हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पे इसके आगे की जानकारी बताने के लिए मैं लेके चल रहा हूं आपको वीएलई न्यूज की वेबसाइट पे, और यहां पे देखो एक न्यूज पब्लिश की गई है सीएससी वीएलई मीट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, और वहां पे देखोगे आप त्यागी सर के साथ में बहुत सारे जो चैंपियन वीएलईज हैं या कहें टॉप ट्रांजेक्टिंग अच्छा काम करने वाले वीएलई भाई हैं उनकी फोटो है, और उनके हाथ में यहाँ पे आपको बैग भी दिख रहा होगा और साथ ही में एचडीएफसी का बैनर लगा हुआ है। तो क्या इस वर्कशॉप में हुआ है, किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हैं लिंक दिया है, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे बताए भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों सीएससी वीएलई मीट प्रोग्राम किया गया है दिल्ली के भीतर, वो यहाँ पे एक ऑडिटोरियम के भीतर किया गया है जो अच्छा खासा ऑडिटोरियम है, और वहाँ पे जो सीएससी वीएलई भाई एचडीएफसी बैंक के साथ में वीसी का काम करते थे और उन्होंने अच्छा काम किया है उनको बुलाया गया है, और उनको यहाँ पे जो है उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित किया गया है और उनको जो है उनकी प्रशंसा की गई है, और साथ ही आगे सीएससी के माध्यम से क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, किस तरीके से क्या चीज़ें करी जाएंगी, क्या क्या सुविधाएं और उनको मिलने वाली हैं उसके ऊपर भी त्यागी सर ने जानकारी दी है। तो यहाँ पे दोस्तों सभी वीएलई भाइयों को नहीं बुलाया गया, जैसे कि काफ़ी दोस्तों का कहना था कि इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिली, तो यहाँ पे वीडियो में त्यागी सर ने खुद ही बताया कि यहाँ पे केवल जो काम करने वाले वीएलई हैं उन्हीं को बुलाया गया था, जो भी वीएलई इस तरीके के वर्कशॉप में आगे से आना चाहेंगे तो उनको जो है अगर जो अच्छा काम करते हैं उनको ही बुलाया जाएगा। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और इस तरीके के वर्कशॉप में जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी को अपने पोर्टल से अच्छा काम करना होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम सीएससी पोर्टल के माध्यम से करना होगा। और यहाँ पर आपको और बता दें कि यहाँ पर जो भी टॉप ट्रांजेक्टिंग वीएलईज थे उनको त्यागी सर के साथ में मिलने का भी मौका दिया गया और उनसे बातचीत करने का भी उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पे जो वीएलई भाई थे उनको भी पर्सनलाइज्ड जो है फोटो सेशन और गिफ्ट सेशन कहें वो भी सारी चीज़ें हुई, और इसके साथ ही साथ उनको बताया गया कि सीएससी के माध्यम से आगे आने वाले समय में कौन कौन सी नई सुविधाएं चालू की जाएंगी, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, बाकी यहां पे जाके आप वीडियो देखोगे तो पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहां पे बताया गया है दोस्तों कि सबसे पहले जो चीज़ मिलने वाली है वीएलई भाइयों को कि जैसे भी आप जाते हैं कुछ भी आपको टीवी फ्रिज कूलर वगैरह कोई भी सामान खरीदना होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो उस पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई का लाभ मिलता है, चाहे आप मोबाइल लें तो बिना ब्याज की किस्तों में आप उसको पे कर सकते हैं। वो वाली चीज़ें अभी तक शहरों में या जो भी रजिस्टर्ड दुकानदार होते थे उन्हीं के यहाँ मिलती थी, लेकिन अभी सीएससी के माध्यम से जो भी वीएलई भाई हैं आगे 2-3 महीने के बाद कोई भी गांव के जो भी दुकानदार हैं जिनके यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले प्रोडक्ट बिकते हैं उनको अपने पोर्टल से लिस्ट कर पाएंगे, और वो एक बार ऑनबोर्ड हो जाएंगे तो क्यूआर कोड के माध्यम से या एमपॉस के माध्यम से उनको ईएमआई की फैसिलिटी उपलब्ध हो जाएगी। तो इसके लिए ब्रांच को विजिट नहीं करना पड़ेगा, और सीएससी वीएलई जो भी कस्टमर्स को जिनको भी ज़रूरत है कुछ भी ख़रीदने की वो आसपास की दुकान गांव की दुकान से ही दिला पाएंगे, और उससे मर्चेंट ऑनबोर्डिंग तो होगा ही होगा, प्लस सीएससी वीएलई को जो कंज्यूमर ड्यूरेबल पे जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट बिकवाते हैं किस्तों में तो उस पर जो कमीशन मिलता है उसमें बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। और ये जो सर्विस है अगले 3 महीने के भीतर लगभग सभी जितनी भी एचडीएफसी की ब्रांचेस हैं सभी में लाइव हो जाएगी, तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और एचडीएफसी के बीसी यहाँ बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन मौका होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे टू व्हीलर लोन के ऊपर भी एक काफ़ी बड़ा अपडेट है कि अभी तक आप लीड डालते थे उसको जो है वेरीफाई होता था और सैंक्शन होने में काफ़ी दिक्कत आती थी कि, लेकिन अभी क्या होगा 3 महीने बाद आप जो भी टू व्हीलर का लोन है सीएससी वीएलई खुद ही सैंक्शन कर पाएंगे, यानी कि सीएससी वीएलई
वहाँ जो भी लीड डालेगा और उसका सैंक्शन लेटर वगैरह जारी करके उसको गाड़ी तक दिलाने का काम जो है VLE के माध्यम से बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि अभी तक जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं आप, अगर बैंक BC हैं तो FD वगैरह के बारे में पता होगा, तो वो केवल और केवल आप HDFC बैंक के कस्टमर्स के लिए ही कर पाते थे, लेकिन अभी क्या होगा, CSC के माध्यम से आप किसी की को भी, चाहे उसका बैंक खाता है HDFC में या नहीं है, उसका भी फिक्स डिपॉजिट कर पाएंगे, FD कर पाएंगे, तो इससे भी आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। और इसी के साथ में करंट अकाउंट ओपनिंग जो CSEBLE के माध्यम से है वो भी 2-3 महीने के भीतर स्टार्ट हो जाएगी, तो अगर आप एक CSEBLE हैं तो करंट अकाउंट भी CSE के माध्यम से आसानी से खोल पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ नए अनाउंसमेंट हुए हैं CSE के माध्यम से, जो HDFC बैंक के साथ में काम करते हैं VLE उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होना है। और इसके साथ में जो VLE भाइयों को बाइक्स वगैरह दिए गए हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो, अगर आप इस तरीके के नए नए अपडेट्स से जुड़े रहना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक दिया गया है कि आप हमें गूगल न्यूज़ पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको हमारे तरफ से जो भी इस तरीके के अपडेट्स दी जाती हैं सबसे पहले मिल पाए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली से जो दिया गया लिंक है उस पर जाके फॉलो पे जरूर क्लिक करिएगा। और अगर आप CSE के बैग्स वगैरह खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे एक सेकेंड लिंक दिया गया है जिस पर जाके आप जो है यहाँ से CSE का टी शर्ट, कैप और जो बैग्स वगैरह हैं वो भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।